अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक केस के रिव्यू के हवाले से। दोस्तों, एक मेडिसिन रोटा जिसे हम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा क्लिनिक के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, जिसको ज़्यादातर हम जो एल एस स्पाइन की पेन्स होती हैं या कमर दर्द जो होती है उसके अंदर उसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास एक नौजवान लड़का जिसकी एज 23 साल के करीब थी, शादीशुदा था, वो आया और उसको शदीद किस्म की लेफ्ट रीनल कोलिक थी, यानी कि बाईं साइड पे गुर्दे की दर्द थी। मेरे पास आने से पहले वो पेन किलर्स, इंजेक्टेबल भी लगवा चुका था और ओरली पेन किलर्स, रिनकोलिक मेडिसन्स और उसके साथ साथ मसल रिलैक्सेंट भी खा चुका था। और मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे के अंदर उसने 2 से 3 दफ़ा पेन किलर्स लगवा लिए थे, लेकिन दर्द उसकी इंतहाई शिद्दत के साथ थी, जो उसकी कमर को बिल्कुल सीधा नहीं थी होने दे रही। दोस्तों, जब कोई रीनल कोलिक का मरीज हमारे पास आता है तो अगर सीवियर पेन के अंदर हो और अगर उसकी मोडेलिटीज़ का हमें पता चल जाए और जब बिलमिसल दवा का इंतखाब किया जाए तो विद इन सेकेंड्स वो मरीज़ की दर्द को रिलीफ देती है और विद इन डेज वो स्टोन रिड्यूस हो के या टूट के खारिज हो जाता है। मैंने जब मरीज़ शदीद दर्द के अंदर हो तो बाज़ दफ़ा दर्द की वजह से वो ठीक तरीके से केस टेक नहीं करवाता या अपनी मोडेलिटीज़ बताने में जो है कमी होती है उसमें, या अच्छे तरीके से मोडेलिटीज़ नहीं बता सकता। मैंने कोशिश की कि इसकी मैं मोडेलिटीज़ चेक करूं, तो मैंने कहा आपको 2 दिन से दर्द है, आप सुबह से पेन किलर्स भी लगवा चुके हैं, तो इसके अलावा आपने मुझे बताइए आपको पेन में रिलीफ कैसे मिलता है या दर्द के अंदर कमी कैसे आती है। उसने बताया, डॉक्टर साहब, मैं जब चलूं तो मुझे दर्द है, मैं बैठूं तो मुझे दर्द है, मैं करवट लूं तो मुझे दर्द है। दर्द में सिर्फ दो तरीके से सिर्फ मुझे सुकून मिल रहा है। एक, जब मैं वुज़ू के लिए बैठता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे दर्द के अंदर कमी आती है, या लेट जाऊँ तो दर्द में वक्ती तौर पे कमी आती है। ये जो कोलिक पेन्स हो, फीवर हो या इसके अलावा कोई भी पेन हो, तो ये तमाम एमरजेंसीज होती हैं जिसमें फिल फोर मरीज रिलीफ चाहता है। अक्यूट अमराज के अंदर मरीज को फिल फोर मेडिसिन अप्लाई की जाए, मेडिसिन दी जाए, तो वो चाहता है कि विद इन मिनट्स उसकी पेन है या जो फीवर है वो कम होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लगे तो फिर उसका पैथी के ऊपर इतबार नहीं रहता। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इमरान अख्तर सदरा साहब की बात याद आई कि बेशतर वो रीनल कोलिक के मरीज़ हों, किडनी स्टोन के या रीनल स्टोन के, रीनल कैलकुलस के मरीज़ हों, तो जब वो मोडेलिटीज़ को बड़ा अहम मानते हैं और जब वो मोडेलिटीज़ लेते हैं तो बेशतर उन्होंने रूटा मेडिसन को अप्लाई किया और किडनी स्टोन्स रिमूव होते देखे। और जब वो मुझे रूटा पढ़ा रहे थे तो रूटा की 2 अलामत जो उनकी पढ़ाई हुई अजबर मेरे जहन में रहती हैं कि मरीज़ को दर्द के अंदर लेटने से सुकून मिलता हो, बिल्कुल सीधा लेटने से रिलीफ फील करता हो, चाहे वो कमर की दर्द हो या कोलिक पेन हो या किडनी पेन हो, तो उसमें रूटा को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कमर की दर्द का मसला है और अगर आपको
रूटा को एज ए इंट्रा करंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते तो मरीज़ को मुकम्मल सेहत याब नहीं कर सकते। दोस्तों, इसकी बेस पे मैंने डॉक्टर साहब की, उस्ताद मोहतरम की बात मेरे जहन में थी, लेटने से वक्ती तौर पे सुकून या बैठने से वक्ती तौर पे सुकून, चूँकि ब्रायोनिया में भी बैठने से सुकून मिलता है और जो मुतासरा जगह हो उसको दबाने से सुकून मिलता है, लेकिन उसको मुतासरा जगह दबाने से दर्द के अंदर इजाफा होता था, तो मैंने रूटा मेडिसन को 1 mg में सिंगल डोज मरीज को दी और विद इन सेकेंड्स मरीज की मेरे पास बैठे हुए दर्द गायब हो गए। उसके बाद मरीज ने मुझसे कहा कि मुझे एक डोज और बना दें ताकि अगर मुझे दर्द हो तो मैं इस्तेमाल कर लूं। तो एहतियाती तौर पे मैंने एक डोज मजीद बना के दे दी। 6 माह बाद दोबारा जब उनकी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये डोज अभी भी पड़ी हुई है, उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी मेडिसिन खाने के बाद अगले दिन मेरा स्टोन जो है वो निकल गया था और ये डोज वैसे की वैसे मेरे वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है। आज इसको मैं फेंकने लगा हूँ। मरीज़ को मैंने कहा, आप एहतियाती तौर पे अपनी अल्ट्रासाउंड अगले दिन, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन कल्चर टेस्ट करवा लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड PU भी करवाएं ताकि पता चल सके। तो 2 दिन बाद स्टोन रिमूव हो गया, मरीज़ मुकम्मल सेहत याब हो गया, उसको किसी किस्म की बर्निंग पेन किसी चीज़ का सामना नहीं था और उसकी जो अल्ट्रासाउंड है जो किडनी यूरिटर्स और ब्लेडर की बिल्कुल ठीक आई। दोस्तों, इसलिए जब भी किडनी के मरीज़ आएँ, आपके पास किडनी स्टोन के मरीज़ आएँ, तो उसकी मोडेलिटीज़ को ज़रूर चेक कीजिए और मोडेलिटीज़ की बेस पे जब आप मेडिसिन को पेन पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो मरीज़ विद इन सेकेंड मुकम्मल ठीक हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।